हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एमिनेंस क्लास पे। आई होप आपकी गेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी तैयारी में आगे बढ़ते हुए हम आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं मैकेनिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि पूछे गए थे गेट 2020 में और गेट 2019 में। ओके, तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम अपने न्यू अप्रोच के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस जो कि गेट 2020 पे सॉल्यूशन पे बनाए हुए हैं, साथ ही साथ फ्लूड मैकेनिक सब्जेक्ट और हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट के वीडियो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो उन सभी की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको मिल जाएगी, जहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गेट 2020 में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिए 2020 में, क्योंकि हम इसके बाद 2019 भी सॉल्यूशन करेंगे। तो 2020 में पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पूछा गया था फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग सेक्शन से। तो ये क्वेश्चन आप सबसे पहले पढ़िए। इन अ कांस्टेंट प्रेशर केक फिल्ट्रेशन विद एन इनकंप्रेसिबल केक लेयर, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टी। द प्लॉट ऑफ टी वाई वी वर्सेज वी रिजल्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ इंटरसेप्ट ऑफ 10^4 सेकेंड पर मीटर क्यूब। एरिया ऑफ द फिल्टर इज 0.05 मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट इज 10^-3 पास्कल सेकेंड एंड द ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर इज 200 किलो पास्कल। द वैल्यू ऑफ द फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क का। ओके, तो आपको यहां पर क्या करना है, फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले जो बेसिक इक्वेशन होती है फिल्ट्रेशन की, आपको वो पता होना चाहिए। और उस इक्वेशन में ईच एंड एवरी टर्म क्या होता है, अगर आपको वो पता है तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, आप इसको देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक इक्वेशन की, तो वो होती है डीवी ओवर डी टी 1/A इक्वल टू डेल्टा ऑफ पी डिवाइड म्यू अल्फा सी फी डिवाइड ए प्लस आर एम और म्यू। अब यहां पर मैंने आपको एक बेसिक इक्वेशन बताई है फिल्ट्रेशन की। ये जो इक्वेशन होती है वो कंबाइन होती है फिल्टर रेजिस्टेंस एंड केक रेजिस्टेंस की। ओके, तो यहां पर हम किस टर्म को क्या बोलेंगे, देखिए V तो हो गया आपका वॉल्यूम, ओके, T हो गया आपका टाइम, A हो गया एरिया, डेल्टा P हो गया प्रेशर ड्रॉप, जो कि फिल्टर मीडियम के अक्रॉस बिल्डअप होता है। सो म्यू यहां पर विस्कोसिटी होती है। ओके, तो यहां पर अब नेक्स्ट टर्म आता है आरएम का। आरएम होता है फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस, जो कि आपको बताना है फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस। अब यहां पर जो सी है वो होता है केक कांस्टेंट, और यहां पर ए है वॉल्यूम, ए है एरिया। ओके, तो इतने सारे टर्म्स थे। अब आपको बोला क्या है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन का इंटरसेप्ट दिए, लेकिन आप इस इक्वेशन से डायरेक्टली ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। तो जो मैंने आपको इक्वेशन बताई, अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं तो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ए डी टी ओवर डी वी इक्वल टू म्यू अल्फा सी ओवर ए वी प्लस आर एम म्यू ओवर डेल्टा पी एंड डेल्टा पी इज हेयर। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगी।
अब ए को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, सो डी टी ओवर डी वी इक्वल टू म्यू अल्फा सी ओवर ए स्क्वायर डेल्टा पी वी प्लस आर एम म्यू ओवर ए एंड डेल्टा पी। अब आपको बोला है जो आपका प्लॉट है वो क्या है, टी ओवर वी वर्सेस वी, तो आपकी जो इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहां पर एम क्या होता है वो होता है स्लोप, सी क्या होता है इंटरसेप्ट, यही होता है। तो देखिए आप यहां पर इसको y कंसीडर कीजिए t अपॉन v, क्योंकि आपको बोला गया है t अपॉन v के लिए, और यहां पर v क्या है x है, तो ये जो टर्म बचा इसकी वैल्यू क्या होगी इंटरसेप्ट। देखिए आपको है ना क्वेश्चन में दिमाग इस तरीके से लगाना है कि आप उसको अपनी एप्टीट्यूड लेवल की जो स्किल्स है वहां से सॉल्व कर सके। यहां पे आपको बोला नहीं गया कि आपको क्या मानना है, आप हो सकता था ये भी मान लेते और कोई गलत आंसर निकाल लेते, ठीक है। तो आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है डायरेक्टली, क्या दी हुई है 10 to the power 4, ओके। और आपको पूछा गया है आर एम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, इंटरसेप्ट इक्वल टू आर एम म्यू ओवर ए एंड डेल्टा पी। इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई 10 to the power 4, आर एम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, म्यू की वैल्यू दी है 10 to the power -3, एरिया की वैल्यू आपको दी है 0.05 और प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू आपको दी है 200 kilopascal, सो 200 × 1000 इज कन्वर्टेड इनटू पास्कल। तो जब आप यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू निकल कर क्या आएगी आप मुझे बताइए, यहां से आर एम की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 10 to the power 11, जिसको आप लिख सकते हैं 1 × 10 to the power 11, और यही आपका आंसर। अब आप मैच कर लीजिए 10 to the power 11 इज सी, सो सी इज द राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे जितना टाइम लगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एग्जाम में नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर एक एक स्टेप को बड़ी डिटेल में बताया है, क्या टर्म की वैल्यू होती है, क्या उसका मतलब होता है, और उसके बाद उस जो इक्वेशन है उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको ये वाली इक्वेशन फंडामेंटल इक्वेशन याद रखनी है, आपको कन्वर्ट कर यहाँ पर डायरेक्टली आ जाना है इस स्टेप पर, और इंटरसेप्ट की वैल्यू रख के यहाँ वाले स्टेप पर सॉल्व करके आ जाएंगे, तो आपको यहाँ के 3 or 4 steps स्किप कर देंगे, तो आपका ये क्वेश्चन हार्डली 30 seconds to 1 minute में सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, देखा आपने कितना सरल सवाल था। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 16। चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, अ रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल अंडरगोस फ्री सेटलिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 750 kg/m³ एंड द विस्कोसिटी इज 9.81 × 10⁻³ पास्कल सेकंड, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 3000 kg/m³ एंड द पार्टिकल डायमीटर इज 2 × 10⁻⁴ मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81 m/s², assuming Stokes law to be valid, the terminal velocity of the particle is, तो terminal velocity का जो फंडा होता है, तो मैंने आपको एक बार पहले भी वीडियो में बताया था कि terminal velocity आप किसको बोलते हैं, जब कोई भी पार्टिकल फ्री सेटल हो रहा होता है और उसकी वेलोसिटी चेंज होना बंद हो जाती है, तब वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जिससे वो गिरता है उसको बोलता है टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपको वो पता होना चाहिए, और बस आपको उस फॉर्मूले में दिए हुई वैल्यूज को रखना है, ओके। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VT = 1/18 mu
मल्टीप्लाई जी डी पी स्क्वेयर मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूड। ओके, अब आपको इन्हीं सब टर्म्स की वैल्यू यहां पर रखनी है और आपका आंसर वन लाइन में आ जाएगा, 1/18। म्यू की वैल्यू आपको दी है 9.81 मल्टीप्लाई 10^-3। जी की वैल्यू है 9.81। डीपी की वैल्यू आपको जो डायमीटर दिया है वो है 2^-10^-4 का होल स्क्वायर, और जो डेंसिटी है वो है 3000-750। यहां से आप जब VT को कैलकुलेट करेंगे तो VT की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट होकर आएगी, वो होकर आएगी 5^-10^-3 मीटर पर सेकंड। और ये जो ऑप्शन आपका डी है वो आपका राइट आंसर है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कितना आसान सवाल पूछा गया था। बस वन लाइन का सवाल था, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था टर्मिनल वेलोसिटी का, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम मैकेनिकल ऑपरेशन सब्जेक्ट को पूरा समझेंगे। मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि वो लोग जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें और उनके कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके, तो यहाँ मैंने आपको टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बता दिया। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2020 में 2 मार्क्स का, यानी कि 2 मार्क्स पहले पूछ लिए, 2 मार्क्स ये, टोटल 4 मार्क्स का पूछा गया था मैकेनिकल ऑपरेशन से। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। अ वर्टिकल हेल्ड पैक्ड बैग हैज अ हाइट ऑफ 1 मीटर एंड अ बॉयड फ्रैक्शन ऑफ 0.1 वेयर देयर इज नो फ्लो थ्रू द बेड। द इंसिपिटेंट फ्लूडाइजेशन इज सेट इन बाय इंजेक्शन ऑफ द फ्लूड ऑफ डेंसिटी 1 kg/m³। The particle density of the solid is 3000. Acceleration due to gravity is 9.81. The pressure drop across the height of the bed, what is nearest integer? तो ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह वन लाइन क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर जितने भी टर्म्स दिए हैं, L इक्वल टू 1 मीटर, void fraction को बोलते हैं epsilon, so वो दिया है 0.1। आपको G की वैल्यू दी है 9.81, उसके बाद आपको फ्लूड की डेंसिटी दी है 1, उसके बाद आपने पार्टिकल की डेंसिटी दी है 3000। ओके, तो बस आपको प्रेशर ड्रॉप पूछा है। अब आपको प्रेशर ड्रॉप इन फ्लूडाइजेशन आपको पता होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी बाय एल इक्वल टू जी 1-epsilon मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूड। ये हो गया, अब आपको यहां सिर्फ वैल्यूज रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। सो डेल्टा पी इक्वल टू 1 जी की वैल्यू 9.81 1-0.1 मल्टीप्लाई 3000-1, और यहां से डेल्टा पी कैलकुलेट होकर क्या आएगा, 2,6,4,5, 1.18 पास्कल। और आपको पूछा गया नियरेस्ट इंटीजर, सो नियरेस्ट इंटीजर मतलब नेक्स्ट 2,6,4,5, 2 पास्कल, और आप ये फिल करके आ जाएंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की जो रेंज दी गई थी वो थी 2,6,4,5,0 से 2,6,5,00 तक। ओके, तो आप घबराना नहीं, बिल्कुल भी आपका रेंज में ही आंसर आएगा। आप अगर 5-1 को 0 भी कंसीडर करते हैं, 5-1 भी कंसीडर करते हैं, तो भी आंसर आपका राइट माना जाएगा। ओके, देखा आपने कितना सरल था, बस आपको फ्लूडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में ये जो इक्वेशन है ये पता होना चाहिए थी, तो मैंने आपको वो भी बता दी। बाकी हम इसको सिलेबस में तो देखेंगे ही देखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली आपको देखा 10-15 सेकंड लगेंगे, जो भी टाइम लगेगा कैलकुलेशन में लगेगा, बस वो भी एक लाइन की। ओके, तो ये था 2020 का। अब देखते हैं 2019 का। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर एंड सीनियर के साथ
ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी गेट के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन को बहुत आसानी से करने का तरीका मिल सके। ओके, चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 2019 में पहला क्वेश्चन जो कि मैकेनिकल ऑपरेशन से पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 7, और ये पूछा गया था 1 मार्क का। बहुत ही सरल सवाल था, आप इसको पढ़ के देखिए। कंसीडर अ सिलेंडर, डायमीटर डी एंड लेंथ इज डी, स्पेयर द डायमीटर डी एंड द क्यूब साइड लेंथ इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द स्पेरिसिटी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट इज ट्रू। आपको पूछा गया है स्पेरिसिटी का कॉन्सेप्ट। स्पेरिसिटी क्या होती है सबसे पहले आप इसी को जान लीजिए, उसके बाद इसके ऑप्शंस को आप बिना देखे भी सही कर सकते हैं। ओके, चलिए स्पेरिसिटी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो स्पेरिसिटी का कॉन्सेप्ट है वो हर साल अलग अलग टर्म्स में पूछा जाता है। स्पेरिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है सबसे पहले आप ये देख लीजिए। स्पेरिसिटी इज अ रेशियो ऑफ टू थिंग्स, सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर ऑफ सेम वॉल्यूम एज पार्टिकल डिवाइड सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, तो मैं आपको उनको एक बहुत ही सरल भाषा में बताता हूं कि मतलब क्या है। जो पहला शब्द लिखा है, पहली लाइन लिखी है, सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर ऑफ सेम वॉल्यूम एज पार्टिकल, मतलब आपको करना क्या है, आपको यहां पर सरफेस एरिया वॉल्यूम स्पेयर का रखना है। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², ये होता है, ठीक है। अब ये आपको इक्वेट करना है किसके, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल के। आपका पार्टिकल कोई भी शेप का हो सकता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ओके, अब यहां से क्या करेंगे आप, आर या डी, आर और डी इनके टर्म्स में किसी की एक वैल्यू को निकाल लेंगे और डिवाइड देंगे सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। तो वहां पर जो आप यूज करेंगे आर और डी, उसको वहां से रिप्लेस कर देंगे। स्पेरिसिटी की वैल्यू यही होती है, बाकी स्पेरिसिटी का जो फॉर्मूला निकल कर आता है फाई एस, वो होता है 6/dp डिवाइड SP/BP, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो आपको ये भी पूछा जाता है बहुत बार गेट में डायरेक्टली कि फाई एस इक्वल टू वॉट। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या है। तो ये आपको डिफॉल्ट है कि स्पेरिसिटी ऑफ स्पेयर इज 1, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो वैल्यू निकल कर आती है फाई की वो 1 निकल कर आती है, और जो स्पेरिसिटी स्पेयर की मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा किसी की नहीं होती। ओके, यानी कि ए ऑप्शन में स्पेरिसिटी ऑफ स्पेयर इज ग्रेटर देन लिखा हुआ है, पहले तो आप उसी को कंसिडर कर लीजिए। बी ऑप्शन इक्वल है, सी ऑप्शन लेस है, और डी ऑप्शन भी लेस है, यानी कि अकेला ए ऑप्शन बचा जो कि आपको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि स्पेरिसिटी ऑफ स्पेयर इज ग्रेटर देन द अबव रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वैसे ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन जब आप सिलेंडर और क्यूब को भी सॉल्व करेंगे तब भी आप यही जानेंगे कि सिलेंडर की स्पेरिसिटी क्यूब से ज्यादा होती है और स्पेयर से कम होती है। ओके, और उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको स्टेप बताए कि सबसे पहले आप यहां पर स्पेयर का एरिया लिखिए और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखिए, यहां से आप डी या आर के टर्म्स में वॉल्यूम की वैल्यू को निकाल लीजिए, उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल में उस वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, वहां से आपकी स्पेरिसिटी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ओके, चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को जो कि पूछा गया था गेट 2019 में। देखिए लास्ट सवाल है जो कि पूछा गया था गेट 2019 में, क्वेश्चन नंबर 29 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि छुपे हुए हैं। ओके, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है आप वो देख लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया था, अ डिस्क टर्बाइन इज यूज्ड टू स्टीर अ लिक्विड इन अ बैफल टैंक टू डिजाइन द एजिटेटर, एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड इन अ लैब स्केल विद अ टर्बाइन डायमीटर ऑफ 0.05 मीटर एंड द टर्बाइन इंपेलर इज 600 rpm, द लिक्विड विस्कोसिटी इज 0.001 pascal/s while the liquid density is 1000. The actual application
हैज अ टर्बाइन डायमीटर ऑफ 0.5 मीटर एंड इंपेलर स्पीड ऑफ 600 आरपीएम, अ लिक्विड विस्कोसिटी ऑफ 0.1 एंड द लिक्विड डेंसिटी इज 1000. द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल इफ द पावर रिक्वायर्ड इन लेव स्केल मॉडल इज P1 एंड द एस्टिमेटेड पावर फॉर द एक्चुअल एप्लीकेशन इज P2, देन द रेशियो ऑफ P2 अपॉन P1 इज. तो आपको दो चीज का रेशियो पूछे. अब आपको यहां पर दिया क्या गया है ये आप नोट करिए. आपको एक लैब स्केल का मॉडल दिया है और आपको एक एक्चुअल मॉडल दिया है, दोनों ही की वैल्यू दी है. तो जो डायमीटर है लैब में उसकी वैल्यू क्या है, 0.05 मीटर, और यहां पर जो एक्चुअल है उसका डायमीटर कितना है, 0.5 मीटर. आपको जो आरपीएम दिया है लैब स्केल में वो है 600 आरपीएम. तो आपको एक्चुअल में आरपीएम जो दिया है वो दिया है 600 आरपीएम. ओके, आपको विस्कोसिटी दी है लैब स्केल में 0.001 पास्कल इनटू सेकंड, और आपको एक्चुअल विस्कोसिटी कितनी दी है, 0.1 पास्कल इनटू सेकंड. ओके, और उसके बाद डेंसिटी है जो कि है 1000. यहां पर भी डेंसिटी कितनी है, 1000. ओके, और आपको यहां पर पावर है P1 और यहां पर है पावर P2, और आपको P2 अपॉन P1 का ही रेशियो पूछा है. तो आप इसमें अप्रोच क्या करेंगे पेपर के दिन, पेपर के टाइम पर, वो आपको बहुत जरूरी है पता होना. ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूं. जब भी इंपेलर की बात आए तो इंपेलर में होता क्या है, रेनॉल्ड नंबर अलग होता है. तो इंपेलर के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो कि होती है N dP² ρ/μ. तो आपको इस फॉर्मूले को पहले यूज करना है और आपको ये पता करना है कि आपके रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आएगी क्या. तो चलिए हम पहले लैब स्केल का रेनॉल्ड नंबर चेक करते हैं. तो रेनॉल्ड नंबर इन लैब इज व्हाट, 600 मल्टीप्लाई 0.05 स्क्वायर 1000 डिवाइड 0.001. यहां से रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकल कर आई 1.5 × 10⁶. एक्चुअल के केस में आप जब देखेंगे तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होगी, 600 मल्टीप्लाई 0.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड 0.1. तो यहां से भी कैलकुलेट होकर आएगा तो 1.5 × 10⁶. यानी कि ये दोनों केस में रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या है, सेम है. ओके, तब आपको ये भी चेक करना है कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है कितनी. तो ग्रेटर देन 10⁴ से आई है. इस केस में जो पावर होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, आपको ये पता होना चाहिए. तो पावर नंबर जब आप इसको पढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स में, सो वो होता है NP = P/NQ (diameter^5)×ρ. ओके, तो यहां पर जो NP होता है वो कांस्टेंट हो जाता है. NP इज कांस्टेंट व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 10⁴. सीधी सी बात है कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जब ग्रेटर देन होगी 10⁴ से, तो NP की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, और NP की वैल्यू कांस्टेंट होने के बाद P का जो रिलेशन होगा वो होगा रोटेशन की पावर 3 और डायामीटर की पावर 5 से. यहां पे आप डेंसिटी को भी कैलकुलेट इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन डेंसिटी दोनों ही केस में सेम है इसलिए मैं उसको निग्लेक्ट कर रहा हूं. तो बस आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है. सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशन टू द पावर 3 एंड डायामीटर टू द पावर 5. तो आपको P1 और P2 के केस में लग देना है. सो P2 अपॉन P1 इक्वल टू व्हाट, dA^5 × nA^3 डिवाइड dL^5 / nL^3. A क्या है, एक्चुअल, जो कि एक्चुअल केस है, और L क्या है, लैब स्केल. तो बस P2 अपॉन P1 में जब इसकी वैल्यू रख देंगे आप, सो 0.5 डिवाइड 0.05 / 5 मल्टीप्लाई
600 डिवाइड बाय 600 टू द पावर 3, ये तो कैंसिल 1 हो गया, यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आई 10 टू द पावर 5 P2 अपॉन P1, और यही आपका फाइनल राइट आंसर है। देखिए आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। देखा आपने कितनी बड़ी आसानी से आपने एक बहुत बड़े क्वेश्चन को चंद सेकंडों में सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये अच्छा लगा भी होगा, समझ में भी आया होगा, क्योंकि आपको अगर रेनॉल्ड नंबर नहीं पता इंपेलर का, आपको केस नहीं पता कि 10 टू द पावर 4 आने पर रेनॉल्ड नंबर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे। माना आपने हिट एंड ट्रायल से कर लिया या कोई तुक्का मार दिया, लेकिन आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन आना चाहिए, तभी आप उसके क्वेश्चन को राइट अप्रोच कर सकते हैं, आप उसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को मेरे संग यहां तक देखने के लिए। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको ज्यादा से ज्यादा करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपकी और आपको हमारी एक दूसरे के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी गेट की तैयारी करते रहिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है या आप किसी पर्टिकुलर वीडियो को आगे चाहते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर।